यही मतलब बोलते ना, थोड़ा केदारनाथ जैसी फीलिंग लग रही, तो केदारनाथ क्या रहेगा यार, है ना। हाँ, सच है छोटा सा मंदिर, मंदिर, हाँ गूजबम। अरे वहां पे तू सोच सिर्फ केदारनाथ कैसा रहेगा। गूजबम बोला ना, गूजबम बात है भाई वो उधर जाने के बाद। यस जर्नी में, दो धाम जर्नी है तो उसमें आपका स्वागत है। तो गाइस हमारे साथ एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम चार जन इस ट्रेन से ट्रैवल करने वाले हैं। बाकी के लोग हैं वो 5:30 बजे की जो फास्ट ट्रेन है उससे हम लोग को दिल्ली में मिलेंगे। मैं दिखा रहा हूँ मेरे साथ कौन कौन है। तो अभी मेरे साथ है अक्षय, राजस्था, और ये इसका नाम क्या है, आसावरी, 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 इसकी बहन है, और ये मेरा दोस्त है। 10 सालों के बाद 10-15 सालों के बाद एक बड़ी ट्रिप प्लान की है। और हम लोग चार जन नहीं है एक्चुअली, ये पूरी ट्रेन हमारे साथ है। फिलहाल मेरा प्लानिंग था 5 बजे के ट्रेन का, सस्ती चीजों का शौक नहीं रहता करते। अच्छा, आज अनफॉर्चुनेटली मुझे गरीब रथ ट्रेन में ट्रेवलिंग करना पड़ रहा है। वो ट्रेन का नाम सुन के मेरे को अंदर से दर्द हो रहा था। ठीक है, समझ गया। ज्यादा पैसे वाली है नहीं, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, फटे भी बैग है, ये देखो आईफोन चिकन आईफोन। तो अभी बोरिवली आया और मुझे चाहिए था पावर बैंक, तो अभी यहाँ पे सिद्धांत मुझे मिलेगा। माल मसाला लेने आए, माल मसाला चल मिलते आने के बाद। तो पावर बैंक ले लिया, एक काम तो हो गया, अभी अभी शांति से बैठते हैं। गाइस तो अभी भरूच जंक्शन गया, भरूच गया ना रे, अभी भरूच गया और सबको नींद आने लगी है। ये देखो ये ऐसा सो गया। वैसे तो हमारी 4 सीट है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे ऊपर नीचे, लेकिन हम लोग ने ऊपर सामान रखा है और नीचे हम लोग चारों जन एक साथ बैठे। कि वहाँ पे लोग सोए तो उठा नहीं सकते, एक्चुअली वो जगह हमारा है, लेकिन उठाने के लिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मॉर्निंग हो रही है, जस्ट अभी उठा हूँ, वहाँ देखा तो जयपुर आया था, यहाँ पे मैं पिछले साल आया था। सब सो रहे ट्रेन में। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग हो गई है और मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये देखो, गुड मॉर्निंग, बाय मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड नाइट। हम सोए ही नहीं रात को, वी आर एंजॉयिंग जर्नी, वी आर नॉट कमिंग फॉर स्लीपिंग यार, सो आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, दैट्स व्हाई एवरी स्टेशन वी आर ड्रॉप डाउन फ्रॉम ट्रेन एंड टेकिंग स्नैक्स। जगह पे इन लोग ने बहुत टाइम पास किया है रील्स निकाल के, लोग को जो बाकी लोग हैं उनको ढूंढने गए बाहर जाके। पिछले 15-20 मिनट से हम लोग टाइम पास कर रहे थे, मतलब रील्स निकाल रहे थे।
सब बैग इतने बड़े और ये सब रील है ना हम लोग के इंस्टाग्राम पे, तो मैं सबके इंस्टाग्राम के हैंडल है ना यहाँ पे दे दूंगा, तो आप जाके फॉलो करो और देखो हम लोगों ने क्या क्या धमाल की। हम लोग अभी जब हरिद्वार पहुंचेंगे ना तो गंगा स्नान है, उससे पहले गंगा स्नान और आरती करने के बाद हम लोग रूम पे जाने वाले हैं। तो इसलिए जो हमारा टूर गाइड है ना उसने बोला कि आप जो पहनने वाले वो कपड़े बाहर निकाल के रखो, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बैग है ना वो गाड़ी के ऊपर जाने वाली है। ये सब कुछ चीज़ें हो रही है। रुके हम लोग अभी वेट कर रहे हैं हमारे बस ड्राइवर का, ये हमारी बस है। सर मेरे को मोशन सिकनेस का बहुत ज़्यादा तकलीफ है, और जो 8 लोग हैं ना वो पहले से बैठ के आए हैं, सब सो रहे हैं। ये हमारी बस है ये, और अब हम यहाँ पे रुके खाना खाने के लिए। यहाँ से हरिद्वार 150 किलोमीटर है। तो मजाक मजाक में खाना बहुत ज़्यादा खा लिया है ऐसा मुझे लग रहा है, नींद आने बहुत अच्छा खाना था। तो हेलो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार और अभी हमारा लंच हो चुका है और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अभी डायरेक्टली मिलते हैं हरिद्वार में, थोड़ा नींद लेते हैं, अगर बीच में रेस्ट लेने जाए तो हम लोग वो भी दिखा देंगे। चलो बाय बाय, मिलते हैं हरिद्वार आरती में। अभी हम लोग घर की पौड़ी में अभी गंगा स्नान करने के लिए जाने वाले और उसके बाद गंगा आरती होने वाली है। एक्चुअली इतना सब कुछ पहले है ना तो स्नान कैसे करें वो समझ में नहीं आ रहा, और हल्की हल्की ठंड है, मतलब इतनी ठंड नहीं है लेकिन हल्की हल्की ठंड है। हम लोग अभी घर की पौड़ी जा रहे हैं और अभी हम लोग गंगा आरती के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी शाम हो रही है तो जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। ये गंगा है मेरे लेफ्ट साइड में, और जो फ्लड आया था ना फ्लड, वो आप देख सकते हो ये वाली मूर्ति थी उसमें, ये वाली। आप नहीं आने जा रहे हो कि नहीं आना है आपको, पाप किए है कि नहीं किए वो बताइए पहले, कैमरा पे नहीं बोलते। तो फाइनली डिसाइड किया कि एक गंगा स्नान करेंगे, फाइनली बढ़ गया वो भी बढ़ गया, तो अभी गंगा स्नान कर ही लेते। चलो चलो तो गंगा में स्नान करने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न लग रहा है मुझे, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। और ऐसे ही गंगा माता मेरे जो गंदे विचार है, जो गंदे कर्म है, वो ऐसे ही सब कुछ बहा दे, ये गंगा माँ से मेरी प्रार्थना है। तो ये है हर की पौड़ी, यहाँ पे है लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये देखो आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे हो जाए गंगा आरती जो अभी हो चुकी है, और अभी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। तुम्हें के लिए हम मैं यहाँ पे श्री गंगा मंदिर, तो हर जगह पे मंदिर ही मंदिर दिख रही है, क्योंकि ये देवभूमि है, तो अभी हम लोग देवभूमि श्री बद्रीनारायण मंदिर, श्री केदारनाथ, ये श्री केदारनाथ।
रुक रुक, आज का प्लान क्या है? आज का प्लान है हम लोग जाने वाले हैं देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और भगीरथी नदी का संगम है। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं गुप्त काशी, और गुप्त काशी है वो है बेस विलेज ऑफ बेस केदारनाथ। हाँ, केदारनाथ। और एक मंदिर है कौन सा? धारी देवी टेम्पल। तो धारी देवी टेम्पल जाने वाले, तो ये तीन स्पॉट है, और तीन स्पॉट के बाद एकदम लास्ट में है गुप्त काशी, और गुप्त काशी में जाके गुप्त होने वाले हैं हम लोग कल के लिए श्री केदारनाथ। अभी सिर्फ भी नहीं बोल सकते, बहुत दूर है अभी भी। अभी 4:40 हुए हैं, हम लोग 7 बजे निकले हैं, और ऑलमोस्ट अभी इतना घंटा हुआ सिर्फ चल रहे हैं, और अभी बॉडी में ज़रा भी ताकत नहीं है, थोड़ा भी ताकत नहीं है, और भी बहुत जाना है। वो जो पॉइंट है ना, वहाँ से भी 1.5-2 किलोमीटर है।